Welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. Multan Sultans versus Karachi Kings, what a match that was. Lucky for Karachi Kings, unhone aaj badi zabardast performance apni dikhai, kuch changes kiye team mein aur kuch waise hi आपके सामने की जो टीम थी मुल्तान सुल्तान वहाँ पे भी अंडर प्रेशर नज़र आ रहे थे प्लेयर्स बिकॉज ऑफ विच कराची किंग्स वर कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द गेम एंड दे डोमिनेटेड द गेम प्रीटी मच ऑल द वे इन द सेकेंड हाफ. मैच समरी पे नज़र डालते हैं बट सो फार दिस इज़ वॉट वी नो. मुल्तान सुल्तान की जो विनिंग स्ट्रीक थी उस पर थोड़ा ब्रेक लगा है आज क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड से बाहर आए हैं, कराची किंग्स में खेले हैं और आज अपनी वो अवे किट में भी नज़र आए. बड़ी ज़बरदस्त उनकी किट है लेकिन कुछ चेंजेस जो हुए कंडीशंस में उसकी वजह से जो है मुल्तान सुल्तान उस तरह से आज की खास तौर पे बैटिंग में जो है वो चेज नहीं कर पाए. द टारगेट दैट वाज सेट बाय कराची किंग्स 167 वाज अप ऑन द बोर्ड. लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी, देखते हैं कहाँ कहाँ पे जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस हुई कराची किंग्स की तरफ से. और 167 ऑन द बोर्ड, तैयब ताहिर ऑफ कोर्स परफॉर्मिंग really well with the bat today, 65 runs off 46 balls. If we could have the match summary up for all of you to also see, Matthew Wade 46 off 47, not a quick fire innings from him, lekin otherwise agar aap dekhen Karachi ke batting to usme contributions jo hain aapko nazar aayengi. Tayyib Tahir although was the star of the show. Aur bowling mein agar aap dekhen Multan Sultans ki, Ehsanullah the top wicket taker of PSL so far, once again proving why he is the breakthrough star pretty much of this season. 2 wickets for 22 runs and of course Anwar Ali chipping in with 1 wicket as well. Lekin jahan tak batting ki baat hai, nothing quite clicked for Multan, no partnerships, top order jo abhi tak kafi strong ja raha tha Multan Sultans ka, aaj jo hai lagta hai ki unko shamsi tawanai jo hai wo thodi mausool hui hai Karachi Kings ki taraf se, khas taur pe Tabriz Shamsi ki taraf se. What a spell that was, 3 wickets for 16 runs just shy of 4 overs. So Tabriz Shamsi is a refreshing addition to that 11 for Karachi Kings. And of course Shoaib Malik jo hai wo bhi, sorry, Tabriz Shamsi 18 runs off 4 overs and Shoaib Malik giving away just 16 runs off his 3.3 overs. Overall, एक अच्छी effort from Karachi Kings with the ball to secure the match in their favour. और इसी के ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे. एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला अभी कुछ ही देर में, दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है PSL का आज का. बट पहले लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस Karachi Kings. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. और ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी द सुपर फास्ट द एनिग्मेटिक मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम आसिफ जी. वालेकुम सलाम. अभी यहाँ पे तैयब ताहिर की हमने इस शो पे 3-4 दफा जिक्र सुना है यूसुफ भाई से और वो भी यही कह रहे थे यूसुफ भाई आज लगता है उन्होंने आपकी बात सुन ली, मौका दिया लड़के को, लड़के ने परफॉर्म भी किया. फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी अच्छी चेंज कर ली उन्होंने, हालांकि उसको चांसेस दिए हैदर अली को और ठीक है बनते हैं, इतने चांसेस देने चाहिए किसी भी प्लेयर को. और जो नया लड़का लाए हैं उसने परफॉर्म किया है और उसने एबिलिटी शो की है कि मैं कर सकता हूं और उसने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है और आते ही उसने बाउंड्री लगाई पहली बॉल पर ही. और मेरा ख्याल है ये कराची किंग के लिए एक जिसको कहते हैं एक नई शोआ है, किरण है एक उनकी टीम में, एक नई जान फूंकी है. किसी उनको चाहिए था ऐसा प्लेयर बिल्कुल जो टीम को लेके चले और उसने रन्स भी किए हैं, टीम को भी लेके चला और 141 के स्ट्राइक रेट से खेला. ये एक अच्छा साइन है उनकी टीम के लिए और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हमें ऐसे लड़के चाहिए कि जो आके अपने लिए नहीं, हालांकि वो चाहता था वो भी आके रेडी पहले सेट होता, कोई 8-10 बॉलें लेता, रन बॉल जाता, नहीं उसने आगे कोशिश की है, जितनी उसमें एबिलिटी थी उसके मुताबिक उसने खेलने की कोशिश की है
और ये किसी भी अच्छे प्लेयर की निशानी होती है जो फेयरलेस क्रिकेट खेले। जब आप फेयरलेस खेलते हैं अल्लाह भी आपकी मदद करता है, और ये अल्लाह ने दिखाया कि उसने आते ही पहले मैच में 65 रन किए, और मुझे लगता है कि शायद मैन ऑफ द मैच भी हुआ। जी जी, आई थिंक बनता उसी का है, क्योंकि बाकी तो इतनी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी उसकी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी ये, और बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है उसने, और बहुत अच्छी चेंज की कराची किंग ने। बिल्कुल आसिफ, आप क्या कहेंगे? आपने भी ये जब हमने अपने शुरू के शोज किए थे तो ये बात आपने भी की थी कि बॉलर्स तो हमें मिलते रहते हैं, फास्ट बॉलर्स, बैटिंग में कोई ऐसा नाम हमारे पास नहीं है जो कि PSL से आया हो। आज हमने अच्छी इनिंग्स देखी तैयब ताहिर की। जी बिल्कुल, जैसा कि यूसुफ भाई पहले भी कहते हैं कि चेंजिंग होनी चाहिए उनका बेंच स्ट्रेंथ, जैसे कि इस्लामाबाद ने भी चेक की अपनी लास्ट गेम में, आज कराची ने भी एक दो चेंजेस की, और आपको पता है जिस तरह से कराची पिछले मैचेस खेल के चल रही थी तो वसीम भाई ने भी थोड़ा गुस्सा किया होगा ऑब्वियसली और उन्होंने स्ट्रांगली उन्होंने देखे पिछले मैचेस से उन्होंने चेंजिंग किया। बाय द वे सॉरी मैं यहां पे सॉरी आपको कट कर रही हूं, बस एक अपडेट छोटी देनी है कि तबरेज शम्सी को बनाया उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच, उस पे भी अभी आते हैं। जी आसिफ, आज देखिए आप टोटली पिच ने बिहेवियर चेंज किया सेकेंड इनिंग में, कि जैसे टर्न हो रहा था, जैसे बॉल ग्रिप करके टर्न हो रहा था, तो लाएगा लुक लाएगा कि जैसे कि बांग्लादेश में क्रिकेट हो रही है, जैसे कि हमने देखे भी वहां पे ज्यादा ब्रेक होता है। तो आज का जो टोटली पिच बिहेवियर चेंज हुआ है और सेकेंड इनिंग में जिस तरह से टर्न हुआ, आप देखिए टोटल नंबर ऑफ ओवर स्पिनर के ज्यादा हुए जी। और यूटिलाइज किया प्रॉपर स्पिनर को, अहमद वसीम ने खुद अपना आके ओवर किए, मलिक शुएब मलिक के ओवर करवाए, तो टर्निंग पिच थी थोड़ा मुश्किल था, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिस तरह से टीम है, बैटिंग लाइनअप है, उनको हैंडल करना चाहिए था ये ब्रेक टर्न, और जिस तरह उनके प्लेयर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ भी थी, मगर आज टोटली आउट ऑफ टच नजर आए मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप। बिल्कुल, ये थोड़ा चेंज इन वेन्यू भी हुआ है और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, और ये हमें ना बाय द वे अक्सर PSL में ये देखने को मिलता है कि जब एक टीम की एक ग्राउंड पे विनिंग स्ट्रीक चल रही होती है तो या लूजिंग स्ट्रीक चल रही होती है, थोड़ा चेंज इन वेन्यू, एक दो नए एडिशंस, और वही आपके पूरी टीम का माहौल चेंज हो जाएगा। आज की विन 66 रन्स की ये विन थी, इमाद वसीम जो है वो एक तो अपनी टेबल जो टॉपर टीम है उनको हराया, फिर इतने अच्छे मार्जिन से हराया और फिर अपने ग्राउंड पे हराया, तो एज अ कैप्टन वो आज फाइनली एक सुख का सांस लेंगे। इस विन से उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हुआ, अगर पहले ही हाई था जब तीन हारे हुए तो उस वो कह रहे थे हम अच्छा खेल रहे, तो वाकई अच्छा खेल रहे थे। एक मैच उनका जो कह सकते हैं कि बहुत ही क्लोज आ रहे हैं, फिर मुल्तान से भी बहुत क्लोज आ रहे हैं, और इस विन से और फायदा होगा। और दूसरी चीज़ ये जो उन्होंने मैन ऑफ द मैच दिया है, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि टर्निंग विकेट थी उस पर एक डेब्यूटेंट ने इतनी अच्छी बैटिंग दिखाई है, तो मेरा ख्याल है कि उसको देना चाहिए था हौसला अफजाई के लिए भी, ताकि आगे और I think I agree with that, ये चीज़ें थोड़ा सा देखनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि बाहर वाले को दे दिया है लेकिन देना नहीं चाहिए था शायद, इसका मुझे कोई नो डाउट। और दूसरी स्पेल करा है, दूसरी चीज ये कि ये आज 90s वाली विकेट थी, मुश्किल हुई है, क्योंकि इस विकेट पे जो उन्होंने, और यंगस्टर है, यंगस्टर तो मुझे नहीं पता एज कितनी है, लेकिन डेब्यूटेंट प्लेयर और काफी एज का आइडिया नहीं है, मैं 27-28 का होना चाहिए, और फील्डर बहुत अच्छा है जी, फील्डर बहुत थ्रो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी जी। ये देखें शॉट्स हमारे सामने चल रही है आसिफ, नहीं मैंने मैच देखा ये वैसे आपकी नजर में प्लेयर ऑफ द मैच तैयब ताहिर ही थे। देखिए ये डिसीजन होता है जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं उनका डिसीजन होता है, नो डाउट। अगर ऐसी टर्निंग पिच पे अगर किसी लड़के ने अच्छी इनिंग खेली है तो उसका बनता भी था, और डिपेंड करता है अब होम ग्राउंड कराची की थी, कराची के प्लेयर ने अब विकेट ली है, पहला मैच खेल रहा था, टर्न भी हुआ, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी चीजें कराची के हक में भी जाएंगी, तो उन्होंने जी हाँ, मगर यूसुफ भाई उसने किस जगह पे आके बॉलिंग की है थोड़ा डिपेंड करता है ऑफिशियल पे, उन्होंने डिसीजन चार आउट करना, इट्स लाइक T20 में 100 करने के बराबर होता है ऑलमोस्ट, तीन आउट, तो जो भी उन्होंने हाँ तीन आउट है, तो मैंने देखा नहीं थोड़ा सी मैंने हाइलाइट्स देखी, मगर उसने जो पहला मैच खेल रहा था बॉल उसने अच्छा ब्रेक हुआ ग्रिप किया,
और ये टर्निंग ये हीट ऑफ द मोमेंट चीजें होती है और होती भी रहेगी, जैसे कमबैक किया और इसको इसी मोमेंटम से आगे लेके चलना पड़ेगा। और थर्ड नंबर पे भी आगे देखे आप, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कराची परफॉर्म अच्छा कर रही थी, दो मैचेस बहुत क्लोज आ रही थी, मगर अभी उन्होंने अपने जीतने का मार्जिन बढ़ाया, अपने चेंजिंग की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आज वसीम जिस तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे पिछले दो तीन मैचों में, तो उन्होंने अच्छा कमबैक किया। बिल्कुल, उनको आज की जीत से दो पॉइंट्स भी मिले हैं, रन रेट भी उनके इफेक्ट होगा, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलेंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड zameen.com हर पता हमें पता है। कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स जस्ट रैप्ड अप। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जो कि अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल जा रही थी, खासतौर पर जो टॉप ऑर्डर उनका शान मसूद, रायली रूसो, मोहम्मद रिजवान, ख़ास तौर पे रिजवान और रायली रूसो जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं और जैसा उनका मिडिल ऑर्डर डिपेंडेबल जा रहा था, उनके फिनिशर्स भी काफ़ी डिपेंडेबल लग रहे थे हमें, मुल्तान की लेग में आज जो है वो थोड़ा सा डगमगा गए, बिकॉज द बॉल वॉज टर्निंग, इट वॉज़ अ न्यू विकेट, इट वॉज़ अ न्यू वेन्यू फॉर देम, और थोड़ा सा जो है सामने वाली टीम को भी दाद देनी होगी, जहाँ जिस तरह बॉलिंग की तबरेज़ शमसी ने, इट वॉज़ अ ब्रिलियंट स्पेल ऑफ बॉलिंग। एंड इमाद वसीम अगेन आज भी काफ़ी लकी रहे, बिकॉज एवरीथिंग वेंट इन हिज फेवर डिस्पाइट लूजिंग द टॉस। अभी यहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं। यूसुफ भाई, मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग के ऊपर हमने इतनी डिस्कशंस की हुई हैं, आज फाइनली वो दिन आ गया जिस पर थोड़ा जो है उनको एक जिसे कहते हैं वेकअप कॉल मिली है शायद, कि कंडीशंस जो हैं वो हमेशा आपके फेवर में नहीं होंगी। आप बस यही कह सकते हैं कि कंडीशंस उनकी फेवर की नहीं थी, विकेट थोड़ा टर्न था और टेस्टिंग सिचुएशन थी, विकेट टेस्टिंग वाली थी, वहाँ वो वैसे ही नाइन्टीज़ वाली कह सकती हैं, जब लास्ट एरा गुजरा वो वाली थी, वहाँ उन्होंने अपने आप को अप्लाई करना था, वो कर नहीं सके, वो वैसे ही खेले हैं जैसे दूसरी फ्लैट विकेटों पे खेलते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होता है, वो नहीं कर सके उस तरह, लेकिन ऊपर से फिर भी उनके दोनों ओपनर्स ने फिर 25 और एक ने 29 रन बनाए, रिजवान एज यूजुअल स्कोर करता है वो, शान मसूद का 156 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन जो उसने बॉलिंग की है अपना शमसी, नहीं फास्ट बॉलर जिसने पहली विकेट आके, अब उसने दो ओवर में 8 रन देके 2 विकेट ली है, तो इसको मैन ऑफ द मैच होना चाहिए, टर्निंग ऑफ फ्लैट विकेट पे कोई 8 रन देके 2 विकेटें ले ले, तो ये तो आप देखिए एक टीम में एक ही मैच में जस्टिफाई करती नहीं ये बात कि ये कैसे, अगर चले इस 3 विकेटों पे देना था शुएब मलिक का बनता है, उसने 3.5 ओवर में 16 रन देके 3 विकेट लिए, ये बाकी में समझ में नहीं आ रहा, ये तो जस्टिफाई करते ही नहीं है, ये किसने दिया है, क्यों दिया है, कुछ समझ से बाहर है। तब्रेज़ शम्सी नो डाउट बड़ा जबरदस्त स्पेल किया, लेकिन जिस मोमेंट पे वो आके आउट कर रहे थे तब तक मैच प्रीटी मच उनके हाथ में ही था, क्योंकि ये पहली जो विकेट थी जो इसने लिए फास्ट बॉलर ने इस विकेट पर और 8 रन दे के 2 विकेटें हैं, तो मेरे तो ख्याल है यहाँ पर इसको दे देंगे, बॉलर को ही देना है हमें, आई थिंक हमें अपनी तरफ से ना एक प्लेयर ऑफ द मैच इस शो की तरफ से, ये मेरे हिसाब से तो शम्सी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता, जिसने भी दिया उसने अपनी पसंद नापसंद या शायद ओवरसीज प्लेयर है इसलिए दे दिया। बहरहाल बाकी बैटिंग तो इनकी बिल्कुल ही, और मैं समझता हूँ खुशदिल शाह के साथ थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि उसका नंबर मुसलसल 6ठा नंबर है मेरी तो, आज शायद ऊपर आया जी। एक दो तीन चार, आज 5 पे आया शायद जी, तो आज वो नहीं खेला था मेरा ख्याल है, इसलिए 5 पे आ गया है, पोलार्ड इसलिए 5 पे आया, तो ये मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि हम जो जितने भी प्लेयर्स हैं आजकल ज़्यादातर वो हाथ को रीड नहीं करते, नहीं तो वो अंदर आते हुए बॉल को कट मारने नहीं जाते, वो अंदर आया था बॉल खुशदिल शाह को तो वो कट मार गए, जिसकी ये बड़ी अच्छी टिप वैसे यूसुफ भाई ने दी है। एक जो मैं शान मसूद का भी कहूँगा जो इनर एज लगा वो बैट बाहर से बाहर ऐसे खेल गया, अगर अंदर से जाते तो शायद उनको इस तरह ना होता, शायद बड़ा एज लग जाता या सही बल्ले में आ जाता। इसी तरह वो हमारा बैट्समैन जिसने आज 65 रन किए उसका भी समटाइम्स, हर मरतबा नहीं लेकिन बीच बीच में उसका बैट बाइट से बाहर ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप देखें उसका बैट पूरा बंद था जब LBW हुआ, वो जब बैट बंद कर देंगे फिर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते आउट करने, या फुल फेस जाता
तो चांस थे कोई हल्का सा एज लग जाता या पूरा बैट लग जाता, तो थोड़ी थोड़ी ये ट्यूनिंग वाली चीज़ें हैं, ये होनी तो नीचे ही चाहिए थी, अब चूंकि वो ऊपर आ गए हुए हैं, अब जो भी जिसके अंडर वो आएंगे उनको थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये एज ऐसी होती है यहाँ समझाना बताना, सामने वाला बहुत ज़्यादा लर्नर हो तो फिर चांस बनता है, वरना बाज का वो फिर वैसे ही मैच के अंदर जाके फिर वैसे ही करते हैं। तो नीचे से सीख चीज़ें बहुत सी ठीक होके आनी चाहिए। बहरहाल उसने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, उसने भी शान मसूद तो हमारा पुराना प्लेयर है। अच्छा आसिफ आप क्या कहेंगे अभी? और लड़का भी अच्छा है ये इसी का वेट कर रही थी। आसिफ ये बैटिंग कार्ड मुल्तान सुल्तान्स का देख के आप क्या कहेंगे, वर दे एट एनी पॉइंट एबल टू चेज दिस? किसी भी पॉइंट पे ये लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स जो है शायद ही चेज कर लें। देखिए इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे नहीं लगा हुआ था, 200 190 नहीं था, 167 था, और इनिंग्स लेके चलते पार्टनरशिप लगाते, जैसा कि आप देखिए कराची की सेकंड विकेट पे जो पार्टनरशिप लगी है, तो हम पहले भी इसी बात पे बोलते हैं कि छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाते, तो ये कोई इतना नहीं था। जिस तरह मुल्तान सुल्तान के पास बैटिंग डेप्थ है, उनके पास छठे सातवें नंबर तक बैटिंग लाइनअप थी, तो जिस तरह से एक्सपीरियंस साइड है वो पहले ही टॉप पे चल रहे हैं, अभी भी मेरे ख्याल टॉप पे ही है, मगर जिस तरह से उनके पास मैनेजमेंट है, स्क्वाड है, उनको ये चीज़ें हैंडल करनी चाहिए थी। आज टोटली थोड़ा सा पिच ने बिहेवियर चेंज किया, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई है। तो ये जैसा कि यूसुफ भाई ने बोला कि मैं समझता हूँ कि क्विक लर्नर होने चाहिए लड़के जो भी आते हैं, अगर आपने वही चीज़ एक साल में लर्न कर लेनी है तो आप बजाय के 3-4 साल में जाके लर्न करें, इस तरह से टाइम नहीं मिलता। अगर आप क्विक लर्नर नहीं है तो आप अपनी जगह नहीं बनाओगे टीम में, और वहां पे हर एक बंदे के पीछे एक बैकअप में बंदा लगा होता है, तो यू हैव टू बी क्विक लर्नर, और ये चीजें सीखनी चाहिए कि टर्निंग ट्रैक पे कैसे खेलना, जो कि आज जो मुल्तान सुल्तान की जानिब से टोटली फ्लॉप नजर आया शो। चलें आज जो था वो कराची की लेग का आखिरी मैच था, इसके बाद अब कल से जो है सारे मैचेस आज से बल्कि लाहौर में शुरू होंगे, एंड देन ऑफ कोर्स लाहौर और पिंडी की डिपेंडिंग ऑन यू नो द रेस्ट ऑफ द सिनेरियो वर्किंग आउट इन पीसीबीज़ फेवर, एंड वी होप दैट इट डज। अभी तक तो कोई उस पर भी खबर नहीं आई है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर फाइनल कंफर्मेशन, बट इट लुक्स लाइक टुडेज मैच विल गो ऑन इन लाहौर शॉर्टली, बट अदरवाइज अभी भी ये यूसुफ भाई कुछ कोई एग्रीमेंट रीच नहीं हो पाया, और सुनने में ही आ रहा है कि शायद जो है यूएई में शिफ्ट करा दी जाए, कुछ लोग यूएसए भी लिख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू दोज रूमर्स आर, बिकॉज एज ऑफ नाउ कुछ भी क्लियरली पीसीबी की तरफ से नहीं आया, बट क्या लगता है अभी अगर ये यूएई मूव हो गई फिर तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा इस पूरी। पहली बात तो ये कि ये सोशल मीडिया पे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता ना, कोई दुनिया में आज तक नहीं आया क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी भी इंसान को रोक ले, तो वो बात तो मानने वाली है ही नहीं कि ये दुबई या वहाँ चली जाएगी, और वैसे भी जैसे खर्चा आपने बताया कि डबल हो जाना है, अगर अमेरिका चला गया तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा और उसके लिए पहले वीज़े भी लगवाने हैं, तो वीज़े में भी टाइम लग जाएगा। आसिफ शायद हमारी हेल्प कर सके मैं इस बात में कोई हेल्प नहीं हो सकती, मगर ये डिसीजन रोआ लेना चाहिए था इनको, एक ये स्टेप, आप पीएसएल करवा रहे हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, आपके होम ग्राउंड पे इतने फॉरनर्स प्लेयर आए हो, तो ये हमारी क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं होगी, अगर आप रोजाना के इस तरह के रूमर्स और जिस तरह का वेन्यू चेंज कराते रहे, तो आपको पहले से ये डिसीजन लेना चाहिए था। पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है, आपका 8वां सीजन चल रहा है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इनको चेंजिंग करनी चाहिए, जैसा चले अभी तक तो कोई फाइनल वो नहीं आया, लेकिन नहीं, जैसे कोई अभी फाइनल तक तो टिकर ही नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें दे दें, वो कह रहे हैं हमने नहीं देने, ऐसे टिकर ही देख रहे हैं, अब कोई किसी के अगर आप मुंह से बात सुनेंगे तो फिर बात है, लेकिन तो अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, जैसे कुछ फाइनल हमारे पास न्यूज आती है हम आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डोलेंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड zameen.com हर पता हमें पता है। जी कराची लेग जो है PSL की खत्म हो चुकी है, एक अगला जो मरहला है लीग का वो आज शुरू होने जा रहा है लाहौर में, इस वक्त लाहौर कलंदर्स और पेशावर जलमी का मैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, एंड न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट लाहौर कलंदर्स हैव वन द टॉस एंड दे आर बैटिंग फर्स्ट, बट फर्स्ट लेट्स रैप अप द मुल्तान एंड कराची गेम। अभी अभी कराची में हमने देखा बड़ा अच्छा
एक अच्छी बॉलिंग की वजह से जो है कराची किंग्स आर बैक इन दैट पॉइंट्स टेबल। नजर डालते हैं जी अभी टेबल के ऊपर क्या अपडेट्स हैं, क्या टीम्स की अभी फिलहाल स्टैंडिंग्स लग रही हैं। मुल्तान सुल्तान्स आर स्टिल एट द टॉप देयर एंड दे विल बी फॉर अ वाइल इट लुक्स लाइक, बिकॉज उनके जो नेट रन रेट है वो अभी काफ़ी सॉलिड चल रहा है। बट कराची किंग्स आर एट नंबर 3 नाउ विद दैट विन दे हैव 4 पॉइंट्स, सो दे विल बी प्रिटी कंफर्टेबल एंड प्रिटी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, 6 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं, तो इट्स नॉट अ ग्रेट, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी फॉर देम राइट नाउ, लेकिन स्टिल दे मस्ट बी प्लीज्ड विद द परफॉर्मेंस, क्योंकि एनीथिंग इज बेटर देन बीइंग एट द बॉटम। और बाकी की जो स्टैंडिंग्स हैं वो यही है कि पेशावर जलमी आर एट नंबर 5। देखते हैं कि आज के मैच के बाद इसमें क्या अपडेट्स आती हैं। फिलहाल नंबर 4 एंड नंबर 5 आर प्लेइंग टुनाइट, लाहौर एंड पेशावर। यस, सो शाहीन वर्सेस बाबर, वी सॉ द टॉस जस्ट नाउ, दोनों बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, और एक लाहौर की जो कजाफी स्टेडियम है वहाँ पे भी आज रौनक लगेगी। और अब से रावलपिंडी और लाहौर में इफ़ एवरीथिंग गोज स्मूथली एंड एज प्लान्ड, तो जी लाहौर में सजेगा PSL का मेला। ये है जी लाहौर कलंदर्स के प्लेइंग 11, ये आप देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइनअप जो क्रम्बल हुई है उसके बारे में बात करते हैं मज़ीद थोड़ी। और यूसुफ भाई, मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग अब क्योंकि अगले मैचेस जो हैं वो उनके लाहौर और पिंडी में होंगे, क्या डिफरेंस आपको लगता है क्रिएट होगा? डू यू थिंक कि एक मैच हारने के बाद कोई मेजर चेंज वो करेंगे, या डू यू थिंक कि वही चीज़ अपनी जो आज के मैच में लर्निंग्स हुई उसी से सीख के जो है वापस आएंगे अगली गेम में? देखिए, डिपेंड ऑन सरफेस है, आई सरफेस चेंज हुआ है, थोड़ा टर्न था, टेस्टिंग सिचुएशन थी, उनको मुश्किल हुई है क्योंकि थोड़े खुला खेलने में रलो रसो प्रॉपर बैट्समैन है, रिजवान है, शान है, बाकी थोड़ा खुला खेलते हैं वो, उन्होंने समझा कि वैसी ही विकेट है जैसे पहले थी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए था जब रेलो रेसो आउट हुआ है, तो इनको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए अगर तो थोड़ा सा ग्रेप और टर्न कर रहा है तो, लेकिन उन्होंने वैसे ही खेलने की कोशिश की जिसकी वजह से उनको मुश्किल हुई है। अगर ये 6-6, 7-5, 5-6-6 करके करीब लेके जाते मैच तो आखिर में अगर विकटें हाथ में होती 12-11 के चांस ले सकते हैं आप, बन सकता है, लेकिन वो क्योंकि एक आदत पड़ी हुई है, एक हैबिट बनी हुई है कि लाइन में आके बस खेलना है, तो वो वाली विकेट नहीं थी आज। तो अगर लाहौर और पिंडी में भी कुछ टर्निंग नहीं तो सीम हुआ या स्विंग हुआ तो इसी तरह खेले तो मुश्किल होगी। हाँ, अगर फ्लैट विकेट हुई, सीधा विकेट हुआ तो, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। Yes. आज भी देखें एहसानुल्लाह ने 22 रन देके 2 आउट किए हैं। एहसानुल्लाह इज द ओनली प्लेयर इन दैट टीम जो कि हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहा है, रन देते ही नहीं ना, रन देते कोई भी कंडीशन हो, हाँ कोई भी कंडीशन, वो रन दे। तो मेन जो इनके पास सिस्टम हथियार है वो एहसानुल्लाह है, क्योंकि जब फ्लैट विकेट होती है तो बैटिंग करना तो बहुत आसान है। आज थोड़ा सा मुश्किल था, टेस्टिंग सिचुएशन थी, उस विकेट पे भी एहसानुल्लाह ने अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी मुश्किल हुई है। तो मेरा ख्याल है कि टीमें तो सारी आजकल ऐसे ही चलता है कि टेस्टिंग सिचुएशन आती है तो मुश्किल हो जाती है, हाँ फ्लैट चल रहा होता है तो बैटर्स के लिए बहुत आसान होता है। बॉलर्स को अगर मैं तो वैसे भी कहता हूँ, अगर कोई किसी बॉलर को 4 ओवर में 35 या 40 रन पड़ते हैं तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग है। चलें, आज आसिफ आप क्या कहेंगे, एहसानुल्लाह का स्पेल बहुत ही इकोनॉमिकल रहा, 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए, उन्होंने 2 विकेट्स भी ली, और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हर मैच में मुल्तान सुल्तान्स के उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, वेदर इट्स थ्रू टेकिंग विकेट्स और कंट्रोलिंग रन्स, तो यू नो ही इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड और बड़ा इम्पैक्टफुल जा रहा है उनका ये सीज़न। जी, सो फार तो उसकी जो परफॉर्मेंस देखें ओवरऑल ऑल थ्रू और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो रही है, मीन के वो क्लेवर बॉलिंग कर रहा है और वो समझ के करता है, उसको आइडिया होता है कि बैट्समैन इस वक्त क्या किस मूड में आया या मैं किस मूड में हूँ, क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली आप मैच खेलते चले आ रहे हो तो आपने अपना बॉडी वर्कलोड भी देखना होता है, जिसपे वो यंगस्टर एक नज़र आई है पाकिस्तान के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट बन सकता है वो, तो उसने नो डाउट थ्रू आउट टूर्नामेंट जिस तरह से अपनी टीम को परफॉर्मेंस दे रहा है और अपनी टीम को अप टू द मार्क रख रहा है, उसमें थोड़ी सी बैटिंग लाइन अब थोड़ी सी इन्होंने इनको चेंजिंग करनी चाहिए थी, कि थोड़ा ग्रिप हो रहा है, टाइम लेना पड़ना था, आपने पिच रीड नहीं किया प्रॉपर, वही यूसुफ भाई वाली बात कि आप प्रॉपर अपनी वही शॉटों पे चले गए जैसे कि आप पिछली क्रिकेट खेल रहे थे, तो थोड़ा सा अगर कंडीशन मुश्किल आती है
तो आपको उस पिच रीड करना होता है, आपने थोड़ा कंडीशन के साथ खेलना होता है उसको रीड, अगर आप जज नहीं करते तो इसी सिचुएशन में आगे आगे वो 120 बॉल थी, 120 बॉलों पे अगर आपके एक दो अच्छे ओवर्स भी लगते तो आप टू द मार्क जा सकते थे, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आई है मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन अप। और यहाँ एक चीज़ मैं और कहूँगा, जब ऐसी टर्निंग विकेट होती है तो स्वीप शॉट बेस्ट ऑप्शन होती है, तो मेरा नहीं ख्याल किसने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो लगना शुरू हो जाए तो स्पिनर के लिए मुश्किल हो जाता लाइन बनाना, क्योंकि स्वीप लग रही होती है वो थोड़ा पीछे करता है, जब पीछे करता है तो आपको आइडिया होता है कि अब आप कट मार सकते हैं या मिड विकेट तरह खींच सकते हैं, क्योंकि ये शुएब मलिक जो यूजुअली स्पिन को अच्छा खेलते हैं आज वो भी थोड़ा सा उनकी उस तरह की इंपैक्टफुल, क्योंकि वो तो स्पिनर पे आए नहीं ना, वो मसला है कि फास्ट बॉलर लगे तो फंस गए, वही उस वजह से वो फंस गए हैं, तो स्पिनर लगा होता तो फीट यूज कर लेते। लगता है कि उनका नंबर आज के मैच में ठीक था? नहीं, मेरा ख्याल है इमाद वसीम को आना चाहिए, क्योंकि इमाद वसीम बहुत जबरदस्त हिटिंग करता है, प्रॉपर टाइम करता है, अभी भी देखें उसने 6 बॉलों पे 15 रन कर दिए थे, तो वो थ्रू आउट अगर देखा जाए तो इस नंबर पे इससे अच्छी बैटिंग अभी तक किसी ने नहीं की पीएसएल में इस नंबर पे, और बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर है कराची के लिए, और जिस तरह वो चल रहा है मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि अगर विकटें और ले गया वो 2-4 विकटें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है, क्योंकि इस नंबर पर इस तरह खेलना है इतने स्ट्राइक रेट से, 233 का स्ट्राइक रेट आज भी था बिल्कुल, तो थोड़ा सा जो बात मेन थी ये कि आपको स्पिनर के अगेंस्ट स्वीप शॉट्स आनी चाहिए, जो कि हमारे प्लेयर्स नहीं मार पा रहे पाकिस्तान। बिल्कुल, ये तबरेज शमसी की विकेट सेलिब्रेशन है, जूता मोबाइल घर भूल आया, ये समझ में नहीं आया मुझे, अपना मोबाइल भूल आया, कुछ मगिंग हो गई इसी साउथ अफ्रीका, इसका मोबाइल वहां रह गया। आसिफ आपको कुछ समझ आई विकेट इनकी सेलिब्रेशन शमसी की? जी बिल्कुल है, इस लाइक जैसे कि कैरेबियन प्लेयर्स करते हैं, तो आई थिंक उसके माइंड में था, तो इसे थोड़ा सा हट के नजर आई चीजें जो कि नहीं होनी चाहिए थी, दैट्स व्हाई कि आप उस पे बात करिए, यही तो वो चाह रहा था कि आप उस पे बात करें, दैट्स व्हाई उसने ये चीज पीएसएल के थ्रू हमें इतनी मजे मजे की सेलिब्रेशंस हमारे सामने आई हैं, तो ये भी यू नो इट एड्स टू द लिस्ट, और होता रहना चाहिए, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मेरा मतलब ये क्रिकेट तो है ही, ये एंजॉयमेंट है इसमें, क्रिकेट तो खैर बात करना वो ठीक नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो इस क्रिकेट में इंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है। और तबरेज़ शम्सी हमेशा से जहाँ पे भी वो लीग्स खेले हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने देखा है कि वो बहुत फन कैरेक्टर है, वो बहुत जिस तरह हंसी मजाक करने वाले, और इवन ऑनलाइन जब वो सोशल मीडिया पे भी जब वो ट्वीट्स करते हैं और जब वो उनकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो वो काफ़ी फनी जवाब, उनके काफ़ी विटी कैरेक्टर हैं, और ऑफकोर्स आज कराची किंग्स बहुत खुश होंगे बिकॉज यू नो ही वॉज अ रिफ्रेशिंग एडिशन टू द टीम, और ऑफकोर्स प्लेयर ऑफ द मैच भी बने आज वो, और उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी गुफ्तगू की है, बट यू नो वेल डिजर्व्ड एंड वेल प्लेड Tabrez Shamsi to the whole team of Karachi Kings actually, because they really needed to get out of that losing spell, aur is jeet ke baad se jo hai wo bilkul ek refresh mindset se wapas aayenge agle game ke liye, zahir hai unke bhi ab home matches last unke home matches jo hain wo ab khatam ho rahe hain, to ab wo Lahore aur Rawalpindi jo hain ab apne team ke sath travel karenge aur yahan pe matches khelenge, abhi filhal agar hum abhi jo match shuru hone wala hai kuch der mein उस पर बात करें, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर जलमी, इज गोइंग टू बी शाहीन वर्सेस पाबर, और लाहौर कलंदर्स बैटिंग कर रहे हैं, ये शाहीन का बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया उन्होंने यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि पिच रिपोर्ट सुन नहीं सके हम कि पिच कैसी होगी, लेकिन जो टॉस पे शाहीन ने बात की है कि उसने कहा है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, हम ऑलरेडी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, और राशिद के आने से उसने कहा और हमारी बॉलिंग अच्छी होगी, तो मेरा ख्याल उनके जहन में यही होगा के बोर्ड पे रन्स लगा के इन पे प्रेशर डाला जाए, और अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं कोई 180-90 करने में या 170 जो उसने बोला भी है 165-170, तो ऑब्वियसली इनकी जो बॉलिंग है वो जी टॉप क्लास बॉलिंग है, वो नया लड़का जो फखर जमान है, फखर नहीं जमान खान वो भी बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, हालांकि ये ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, आज भी एक अच्छा उनके लिए टेस्ट होगा, बिकॉज सामने जो है वो जलमी के काफी अच्छे बैट्समैन खेल रहे हैं। यहाँ पे शो का वक्त खत्म होता है, अब हम चलते हैं मैच की तरफ, और आप लोगों से मुलाकात होगी मैच के बाद 11 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।